सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। इनकी कौम बनी इसराइल में एक शख्स नहायत ही गुनाहगार था। इसने 100 साल तकरीबन नाफरमानियों में गुजार दिए। जब वो मर गया तो बनी इसराइल ने इसका गुस्ल व कफन गवारा ना किया, बल्कि इसे गंदगी पर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हमारा एक दोस्त फौत हो गया है, आप अपनी कौम को हुक्म दें कि इसको उठाएं और इज्जत के साथ इसका जनाजा पढ़ें और तबहीर व तकफीम करें। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने दरबारे इलाही में अर्ज़ की, या अल्लाह, ये शख्स इतना बड़ा मुजरिम ऐसे एजाज़ का हकदार कैसे? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, एक बार यूँ हुआ कि एक दिन इसने तो रैत खोली और मेरे हबीब के नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर इसकी नज़र पड़ी और इसके दिल में मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत ने जोश मारा। इसने इस नाम को चुमा और आंखों पर लगाया और दुरूद पाक पढ़ा, लहाजा इस तज़ीम की वजह से मैंने इसके गुनाह माफ़ कर दिए।